ये हमने दे दी थी सर। ये वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि खग ही जाने खग की भाषा। जा रही है पहले इसका शुल्क लगता था, अब निःशुल्क यह टीकाकरण कराया जा रहा। तो पहले बीमारियों के नियंत्रण के लिए, मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए जो पशुओं की दवाएं बनी हुई हैं, जिनके द्वारा हम पशु हानि को या पशुपीड़ा को कम किया जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला घर द्वारा दिया जाता है। ये प्रमुख जो है दूध उत्पादन में बड़े बाधा उत्पन्न करते हैं, इन दोनों रोगों का टीकाकरण के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। बेसहारा सहायता योजना आई है। कोई भी पशुपालक अगर जो पशु जो है जैसे उपयोग नहीं करते, केवल दूध के आधार पर मूल्यांकन करके हम छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी चीज है गोबर। अगर आप ये कहेंगे कि 30 रुपए में हमारा जो है इसका जो है राशन नहीं आ पाएगा, आप अगर देखें तो इसमें कोई भी पशु अगर तारीख में बासमती को जीआई मिल चुका है। 7 राज्य शामिल है उसमें, जिसमें बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश का बड़ा थोड़ा सा हिस्सा है। आप नहीं कर सकते अपने कैसमों को बिल पे वाउचर से, जिस दिन इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जनपद चंदौली में काले चावल की खेती की सराहना की गई है। साथ ही आकांक्षात्मक जनपदों में 2018 से अब तक हुए चेंजेस में जनपद चंदौली को पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद चंदौली में एक अभिनव प्रयोग करते हुए काले चावल की खेती प्रारंभ की गई थी। इसमें किसानों का नेट लाभ लगभग 4 से 5 गुना अधिक प्राप्त हो रहा है। काले चंदौली काला चावल जो कि जिसको की टेस्टिंग कराया गया, उसमें पाया गया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, डाइट्री फाइबर, जिंक, आयरन और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक है। तो ये स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ किसानों की आय को भी बढ़ा रहा है और निश्चित रूप से इस ये जनपद चंदौली का ODOP उत्पाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार घोषित भी किया गया है। और इसकी काले चंदौली काला चावल की खेती प्रदेश के अन्य 14 जनपद भी कर रहे हैं, तो एक ये बड़ी उपलब्धि जनपद चंदौली के लिए है। इसके लिए मैं सभी कृषकों और कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।